यूके में स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जुलाई 2024 इनटेक के लिए स्पेक्ट्रम के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शायर में अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इसमें अवेलेबल कोर्स के बारे में, कोर्स लेवल्स के बारे में, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ट्यूशन फीस एंड स्कॉलरशिप के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शायर विच इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड इट इज लोकेटेड इन लूटन, जो कि लंदन से जो है वो एक घंटे के ड्राइव पे है, यानी कि काफी पास है लंदन के, लंदन से। सो इट इज फाउंडेड इन 2006। तो बात कर लेते हैं कोर्सेज की। तो कोर्सेज जो है वो मास्टर्स के लिए ओपन है, जो भी ग्रेजुएट्स जो है वो मास्टर्स के लिए यूके को अपना डेस्टिनेशन समझ रहे हैं, जिनका भी सपना है यूके में जाके पढ़ाई करने का, उनके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। कोर्सेज आर लाइक बिजनेस, टूरिज्म, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, एमबीए, ऐसे काफी सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहेंगे। तो बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। 2017 पास आउट्स, यानी कि जिन बच्चों ने 2017 या उसके बाद ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो है वो 55% रहेंगे। IELTS एंड PTE दोनों ही एक्सेप्टेबल रहेंगी। IELTS 6 नॉट लेस देन 5.5 एंड PTE जो है वो 59 ईच के स्कोर के साथ अप्लाई किया जा सकता है। सो ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं। 13,500 GBP से लेके 15,500 GBP तक की इसकी ट्यूशन फीस रहेगी। इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स, आपने कौन सा कोर्स चूज करा है उसके हिसाब से आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल है, 2000 से लेके 2500 GBP तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। IELTS waiver इज ऑल्सो अवेलेबल, जिन भी बच्चों ने CBSE, ICSE या कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड से अपना प्लस टू कम्प्लीट किया है और उनके इंग्लिश में 70% मार्क्स हैं, उनको IELTS waiver भी मिल सकता है, यानी कि वो विदाउट IELTS अप्लाई कर सकते हैं। सो स्पेक्ट्रम के साथ आज ही अप्लाई कीजिए और पाइए अपना ऑफर लेटर क्विकली, उसके साथ साथ 65% पेमेंट ऑन पब्लिश्ड ट्यूशन फीस। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी रहेगा, जिसकी प्रेपरेशन स्पेक्ट्रम ओवरसीज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। हमारे इंटरव्यू ट्रेनर्स बहुत ही खास ध्यान रखते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, उसी के हिसाब से उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रेपरेशन कराया जाता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इसकी डेडलाइन जो है वो 15th April 2024 है। सो उससे पहले जल्दी से जल्दी फोन उठाइए और कॉल कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लेकर अपना यूके का स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए ऑन Instagram, YouTube एंड Facebook पर।